पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे आप सब। तो लीजिए दोस्तों, मैं फिर से तैयार हूँ आप सबके साथ में अपने नए आज के टॉपिक के साथ में। तो कई बार आपको लगता है दोस्तों कि आपके ना लोग वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे, है ना। जितना आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जितनी सब चीज़ें आप कर रहे हैं, लोग उतनी आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है ना, मगर दोस्तों इन सब सोचने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने बारे में जानते हो। अब सपोज करो कोई अंधा आदमी है, ठीक है, उसके आगे अगर गुलाब का फूल रखा है ना, तो उसको क्या देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा ना। अगर वो नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गुलाब नहीं है। गुलाब तो अपनी जगह पर ही है और वो उतना ही खूबसूरत है, उतना ही खुशबूदार है, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, हमेशा हमें ये चीज़ जरूरी नहीं है कि कोई हमें प्रेस करे या कोई हमें तवज्जो दे, हमें हमारी वर्थ को समझे, तभी हम खुद को खुश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखो और इस चीज़ से आप जितने जल्दी बाहर आ जाओगे ना दोस्तों, आपकी लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं ना हम इन सब चीज़ों को लेके उसी में उलझे पड़े रहते हैं और हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो खुद के ऊपर करने वाला जो चीज़ें हैं, वो उन सबको छोड़ के हम सिर्फ इसी में रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ कर दे, कोई हमें ये कह दे, कोई हमें वो कह दे। अरे भैया कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। आप जब कहते हैं ना कि आपका जब हुनर बोलेगा ना, तो दुनिया अपने आप आपको देखेगी। तो आप अपने हुनर पे काम करो, आप खुद पे काम करो, लोग आपको क्या कह रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ, ओके। तो कैसे आप अपने आप की वर्थ बनाए रख सकते हो और कैसे लोगों को छोड़ के अपने आप में खुश रह सकते हो, वही टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और उसके रिलेटेड कुछ टिप्स है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं क्या सच्ची में हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और फिर उसके बाद में अपने प्यारे प्यारे कमेंट, अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना, ओके। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो ना, उसको बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल माइंडफुल होके कि आप क्या कह रहे हो अपने बारे में और क्या सोचते हो। क्योंकि आप अपने बारे में जैसा सोचोगे ना, आप बिल्कुल ही वैसा बन जाओगे। अगर आप सोचोगे भैया मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, कोई मुझे भाव नहीं देता, कोई मुझे मेरी वर्थ नहीं रखता है, कोई मुझे तवज्जो नहीं देता है, अगर ऐसा सोचोगे तो सीरियसली आप वैसे ही बन जाओगे। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने आप को किस लेवल पे आप देखते हो, आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हमारी इज्जत हमारी खुद की नज़रों में होने जरूरी है। क्योंकि लोग तो बाद में देखेंगे उस चीज़ को, बाद में वो चीज़ें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने आप को क्या समझते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन, आप अपने लिए अपने बारे में जो कुछ सोचते हो उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और दूसरा है दोस्तों, आपको अगर लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, किसी चीज़ को लेकर आप चेंज करना चाहते हो, तो इमीडिएट आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके ऊपर काम करो और उस चीज़ को हटाओ अपनी लाइफ से। क्योंकि हो सकता है कई सारी ऐसी चीज़ें रहती है, कई बार क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमें लगता है नहीं यार हमारा टाइम काफ़ी ख़राब होता है फ़ोन पे, हमें फ़ोन पे कम बातें करनी चाहिए, उसकी बजाय हम कुछ और काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपकी आदत आपको परेशान कर रही है, तो आप उसको हटाओ, धीरे धीरे कोशिश करके उस चीज़ को हटाओ। कहीं ऐसी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग बहुत लेज़ी होते हैं ना, तो वो लेजीनेस से भी काफ़ी परेशान होते हैं, तो उनको लगता है यार मेरी लाइफ से ना ये लेजीनेस खत्म होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक जगह पे ना उसी दुख तकलीफ में पड़े रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया, कैसे मुझे हो गया, हाय मेरे साथ इतनी बुरा हो गया, ये हो गया, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकले। उनको पता है दोस्तों, हम बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए बुरा है, मगर फिर भी ना ये चीज़ हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम मतलब चाहते हुए भी, जानते हुए भी उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी है जिनको आप हटाना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर जरूर काम करो और उसको अपनी लाइफ से हटाओ, ओके। तो ये है नंबर टू, अगर आपको कुछ अपने अंदर चेंज करना है तो आप उसको जरूर चेंज करें, बिल्कुल। अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है लाइफ में अपनी ग्रोथ करे, ओके। और नंबर तीन है दोस्तों, कभी भी ना अपने आप को आप किसी से भी कंपेयर मत करो, कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि आप बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत बढ़िया हो, आपके आपके जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है,
बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में आपको कुछ अलग देके भगवान जी ने भेजा है। आप बिल्कुल अलग हो और कुछ अलग करने आए हो, आप बहुत खास, तो अपने आप को हमेशा स्पेशल फील करो। ऐसा नहीं कि वो मेरे से बढ़िया कर रहा है या वो मुझसे डाउन है या वो इस तरह से है, मैं बेटर हूँ थोड़ा, वो मुझसे सर। नहीं यार, कुछ नहीं करना यार, आपकी अपनी एबिलिटी है, आपकी अपनी खूबसूरती है, आपकी अपनी सब चीजें हैं, तो आप उसके साथ खुश रहो, कंपेयर मत करो। तो दोस्तों, अगर अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे ना, उतने ज्यादा सुखी रहोगे, क्योंकि जितने ज्यादा कंपेयरिंग में अगर चले गए तो आपके उतने दुखी रहना आपको पक्का तय है बिल्कुल, क्योंकि कंपेयरिंग में सारा टाइम निकल जाएगा, खुद के ऊपर काम करने का वक्त ही कहां, भैया देखते रह जाओगे, ओ हाँ ये ऐसा और वैसा और ऐसा, इनसे में रह लोगे तो फायदा क्या है, कंपेयर बिल्कुल मत करो, एकदम नहीं करना। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी क्या खासियत है, आपके अंदर क्या खास चीजें हैं जो और दुनिया से और सबसे बिल्कुल अलग है, तो आप उसके ऊपर काम करो, वो जरूरी है दोस्तों, क्योंकि खाली खामियां देखने में ही रह जाएंगे तो हमारी जो अंदर जो सबसे बढ़िया चीजें है, हमारी जो सबसे खूबी है, उसको भूल के बैठ जाएंगे, उन समय लगे रहेंगे, तो जो हमारे पास नहीं है उसी का रोना रोते रहेंगे, लेकिन जो है उसको और बढ़ाओ, तराशो, अपने आप को और अच्छा बनाओ इस चीज पे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट अगर अपना लोगे ना, तो ये चीज भी आपके लिए यूं 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 हो जाएंगे बिल्कुल, आप देख लेना, बिल्कुल लिखवा लो मुझसे, एकदम पक्का होने वाला है ये चीज। ओके, तो इस पे जरूर काम करना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी बहुत केयर करो, अपने आप को बहुत टाइम दो, अपने लिए खूब सारा टाइम निकालो, अपने लर्निंग पे, अपने आप को ग्रो करने पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिजिक पे, अपने हर चीजों पे जो आपको लगता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को टाइम दो। खुद को टाइम जितना दोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा बढ़िया आपके लिए। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है भैया, हमेशा ही मैं कहती हूँ, एक्सरसाइज, योगा, यस यस यस, बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी करना है, क्योंकि वो जितना ज्यादा आप करोगे ना, उतने आपके हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होंगे। वो अगर हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक हर चीजों में मजा आएगा, फिर हर काम को करना आपको अच्छा लगेगा, और वो हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस भी होता है। तो वो हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आते हैं तो हमें हर चीजों को करने का एक अलग ही हमारे अंदर जज्बा उमड़ पड़ता है, बिल्कुल काम करने का एक अलग ही मोटिवेशन बिल्कुल आ जाता है अंदर से, है ना, तो बहुत जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज और योगा वगैरह कुछ भी अगर करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करते हो, तो वो आपके ना इस चीज को बहुत हेल्प करते हैं और इन्हेंस करते हैं आपको। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, और दोस्तों आप अपनी वर्थ बढ़ा सकते हो देने से। अब आप बोलोगे देने से ये क्या बात हुई, लेकिन देने का मतलब है कि आप किसी को मान सम्मान दे सकते हो, आप प्यार दे सकते हो, किसी का साथ दे सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कहीं भी अगर आपको गिवर बनने का मौका मिले ना, तो उस चीज़ को कभी भी ना मौका चूकना मत उस चीज़ पे, क्योंकि दोस्तों देने में जो खुशी होती है ना, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि आप देते हो, लेते नहीं हो। लेने में क्या होता है, अपने आपको मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लेना नहीं चाहिए, ले भी, लेकिन देने के ना एक अलग ही आपको अपने अंदर अलग ही आपको पॉजिटिविटी आपको फील होगी। तो देना सीखे दोस्तों, सिर्फ लेने के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि लेना क्या यार, लेना तो ठीक है, मजबूरी में लेना ठीक है, लेकिन हमेशा अगर हम दिल भर के देंगे ना, तो हमें उतना ही मिलेगा बिल्कुल। तो हमेशा देना सीखे, लेना नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं भी अगर आप कहीं आपका दिल दुखा हो, कहीं से कोई ऐसी चीजें हुई हो जहां कड़वाहट आपके साथ में, ये आपको कहीं ना कहीं फील हुआ हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मन में अभी आज तक दबी हुई है, और कहीं ना कहीं वो चीजें आज भी आपको दुखी करती हैं, आपको कहीं ना कहीं तड़पाती हैं, वो परेशानियां देती हैं, सुबह शाम उठते कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ना वो आज भी छुपा हुआ है वो तकलीफ, है ना। तो उस नासूर जो आपने अपने दिल के अंदर बना के रखा हुआ ना, उसको आप जितने जल्दी हो सके आजाद कर दो, माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस में ना बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने मन से वो चीज़ नहीं निकालोगे ना, तो आप अपनी पूरी एनर्जी को, पूरे पावर को आप यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया है उस चीज़ को दूर करो और अपने आप को उस चीज़ से फ्री कर दो बिल्कुल दोस्तों। ओके, तो यही सब था आज के हमारे वीडियो में, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और आप अपनी वर्थ को समझोगे कि आपकी वर्थ ऐसे नहीं कि सिर्फ लोगों ने कह दिया तभी आपकी वर्थ है, ऐसे भी आपकी बहुत वर्थ है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ये कुछ टिप्स थे आपके लिए जो मैं लेकर आई थी कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कमतर मत समझे और अपने आप को बहुत ही खुश और पॉजिटिव रखे और जिंदगी में आगे बढ़ते जाए दोस्तों। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, छोड़ते जाओ चीजें, आगे बढ़ते जाओ, बस यही है फंडा। तो यही सब था आज के हमारे वीडियो में, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपको मिलूंगी नए वीडियो के साथ में, लेकिन तब तक क्या करना है, तब तक आपको मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है,
उसके अलावा दोस्तों जो न्यूली विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हफ्ते में दो दो दिन यस मंडे एंड फ्राइडे नए नए टॉपिक पे वीडियो लाती रहती हूँ और आप सबके साथ में शेयर करते रहती हूँ और हमारी ग्रोथ पे हम मिलकर काम करते रहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ओके दोस्तों, तो बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना है, एंजॉय करना है, एंड क्या करना है आपको, करनी है बहुत सारी मस्ती एंड वॉट यस। Okay, till then, chalo, bye.